हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी सार के मोबाइल सॉल्यूशन में। आज हमारे पास एक और एक हैंडसेट आया हुआ है जो कि रेडमी नोट 6 प्रो का हैंडसेट है। इसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फटक से मैं फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ग्राफिक्स है लेकिन इसमें बैकलाइट नहीं है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप स्क्रीन पे देख रहा होगा, हल्का सा आपको रेडमी लिखा हुआ है, ग्राफिक्स दिख रहा होगा। चलो जल्दी से हम फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और मैं आगे आपको दिखाता हूँ इसमें कहाँ से फॉल्ट है, क्या है। देख सकते हो बोर्ड की कंडीशन बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं है फ्रेंड, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, इसका लाइन कहाँ से कहाँ आएगा। ये जब बैक रेडमी नोट 6 प्रो में जो बैकलाइट का लाइन है वहाँ पे 4 लाइन है, आप देख सकते हो। एक एलईडी एनोड का लाइन है, ज़्यादातर इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, और जो बाकी 3 लाइन है इसमें बहुत कम प्रॉब्लम आता है फ्रेंड, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे आपके पास अगर ऐसा कोई हैंडसेट आया तो आप ये देख लेना, आपके पास अगर बोर्नियो वगैरह नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पे कॉयल में, कैपेसिटर में, डायोड में ही प्रॉब्लम आता है, ज़्यादातर कॉयल में ही प्रॉब्लम आता है। मैं सबसे पहले आपको जीआर वगैरह इसका चेक करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो इसमें अपने जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे अपना जीआर कम्प्लीट है, इसमें भी कम्प्लीटली जीआर आ रहा है हमारा। बाद में ये वाला जो लाइन है इसमें भी देख सकते हो कम्प्लीटली जीआर हमारा है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे जो एलईडी एनोड की जो लाइन है हमारी, इसमें जीआर बहुत ही लो जीआर आ रहा है। इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें जो हमारे एलईडी एनोड की जो लाइन है इसी में प्रॉब्लम है। इसमें शायद कोई लाइन कोई कंपोनेंट ओपन हो गया है या तो फिर शॉर्ट हो गया होगा। मैं एक बार आपको इसमें वोल्टेजेस भी चेक करा के दिखा दूंगा कि इसमें वोल्टेज आ रहा कि नहीं है। बैटरी कनेक्ट जैसे हम कनेक्ट कर देते तो हमारे यहाँ पे बैटरी में जितना वोल्टेज है उतना वोल्टेज हमारे यहाँ पे बनना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पे कोई भी वोल्टेजेस नहीं बन रहा फ्रेंड। जल्दी से मैं फ़ोन को ओपन करके इसका शील्ड वगैरह काट लूँगा, बैटरी मैं यहाँ से वीडियो थोड़ा कट कर दूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फ्रेंड देख सकते हो मैंने शील्ड वगैरह काट लिया है। इसमें देख सकते हो यहाँ पे जो एक कैपेसिटर है ना उसका कलर थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, मुझे लग रहा कि यही से इसका फॉल्ट है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो ये वाला कैपेसिटर है फुल शॉर्ट है इसमें फ्रेंड, शायद यही कैपेसिटर की वजह से हमारा ये बैकलाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक रेजिस्टर है, फ्यूज़ के नाम से भी जान बोल सकते हो इसे, फ्यूज़ का काम करता है रेसिस्टर है, काला कलर का बड़ा। ये वाला देख सकते हो ओपन है फ्रेंड, ये हमें दोनों साइड में बज़र मिलना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ये वाला इससे शायद वो कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से इसी के लाइन में है, तो ये शायद उसकी वजह से ओपन हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे। जब भी आप कैपेसिटर को रिप्लेस करोगे तो आप कोई भी मदरबोर्ड से जो लाइट सेक्शन में जो इसमें कैपेसिटर लगा है वही कैपेसिटर लगाना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, बैकलाइट का प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। डायोड तो हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे और ये हमारा जो रेजिस्टर है उसको हम बाईपास कर देंगे, डायरेक्टली इस साइड से उस साइड में एक जम्पर लगा देंगे फ्रेंड। सबसे पहले इस कैपेसिटर को मैं रिमूव कर लेता हूँ। आप SMD से भी निकाल सकते हो, आयरन से भी निकाल सकते हो, मैं आयरन से निकाल देता हूँ, नहीं तो साइड में कनेक्टर है उसको कवर करना पड़ेगा, फिर SMD से निकालना पड़ेगा। देख सकते हो हमारा निकल चुका है कैपेसिटर, वहाँ पे पॉइंट थोड़ा डैमेज हो गया है, मैं इसको सीधा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। आप सावधानी से काम करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया जिसकी वजह से प्रिंट में थोड़ा डैमेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी प्रिंट निकला नहीं है, उसमें आराम से कैपेसिटर लग जाएगा।
अब जब भी चेक करो ना, एक बार आप कॉइल भी चेक कर लेना, क्योंकि कैपेसिटर रेजिस्टर जब ये फ्यूज़ जब ख़राब होता है तब इसे फ्यूज़ भी चेक कर लेना, फ्यूज़ ही है वो। सबसे पहले मैं एक बार इस कैपेसिटर को चेक कर लूँगा कि ये कंफर्म शॉर्ट है कि नहीं है। हाँ फ्रेंड, है फुल शॉर्ट है कैपेसिटर, देख सकते हो। मेरे पास एक दूसरा मदरबोर्ड है, ये यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे लाइट सेक्शन है, यहीं से मैं इसका ये कैपेसिटर निकालूंगा। देख सकते हो सामने बाजू में लाइट ऐसी लगा हुआ है। इस कैपेसिटर को निकाल के मैं वहाँ पे लगाऊंगा। अगर दूसरे सेक्शन से लगाओगे तो आपका ये काम नहीं करेगा, या तो फिर हीट हो सकता है, कैपेसिटर वगैरह हीट होगा, या तो फिर कॉइल वगैरह हीट हो सकता है। अभी मैं कैपेसिटर को SMD से लगाऊंगा। देख सकते हो कनेक्टर को मैंने कवर कर दिया है, क्योंकि वो पिन डैमेज हो गया था। अगर आयरन से लगाऊंगा तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देख सकते हो कैपेसिटर मैंने सेफली लगा दिया है। और इसमें और एक काम करेंगे, जो हमारा फ्यूज़ ओपन हो चुका था उसको हम बाईपास कर देंगे एक जम्पर से। उसमें थोड़ा सा सोल्डर लगा देता हूँ, नहीं तो अच्छे से लगेगा नहीं। देख सकते हो फ्रेंड, लगभग हमारा जम्पर लग चुका है। इसको हमें काट देता हूँ अभी। देख सकते हो अभी इसको क्लीनिंग करके हम चेक करेंगे कि हमारा कम्प्लीटली काम हमारा हुआ है कि नहीं हुआ, या तो कुछ अदरवाइज इशू आता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अभी मैं एक बार क्या करूँगा, इसको GR में आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली GR हमारा आ चुका है। जब स्टार्टिंग में इसमें बहुत ही लो GR हमें मिल रहा था, क्योंकि बैकलाइट में अगर कोई इशू वगैरह आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा पूरा पूरा। चलो हम अभी इसको मदरबोर्ड को चेक कर लेते हैं। मदरबोर्ड को बोर्ड पे बॉडी में लगा के फिर उसको मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ। अभी चेक कर लूँगा कि हमारा सक्सेसफुली काम हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो भी देखेंगे आगे। देख सकते हो फ्रेंड, कम्प्लीटली हमारा बैकलाइट इसमें आ चुका है, प्रॉब्लम हमारा 100% सॉल्व हो चुका है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।